कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ हैं और विधायक दल की बैठक में पहुंचे हैं। अरोड़ा जी, किस तरह से देखते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल था, उसके बावजूद कांग्रेस की हार हो जाती है, आप क्या मानते हैं इसके पीछे कारण? देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो माहौल था कांग्रेस में, तो हर मान के चल रहा था कि सरकार बनेगी, परंतु मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मशीनों की गड़बड़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। कई पार्टी की कोई अंदरूनी गुटबाजी को उसका कारण नहीं मानते? कोई अंदरूनी गुटबाजी नहीं थी, सारी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और यही नतीजे जो हैं उस पर हैरानी आप लोगों को भी, हम लोगों को। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2019 के अंदर लो कॉन्फिडेंस और 2024 में ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, ये कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, मशीनी तौर पर रही है या और कोई है, ये बैठ के चर्चा करेंगे, आज नहीं कुछ कह सकते। लेकिन ये तो नायब सिंह सैनी पहले ही कह रहे थे कि हार होगी कांग्रेस की और फिर मशीनों को दोषी ठहराएंगे। नायब सिंह सैनी तो ये भी कह रहा था कि कुछ भी हो जाए जीतेंगे दोनों, तो ये भी तो दूसरी तरफ देखोगे तो उसकी मैनेजमेंट थी भी, कहीं ना कहीं उन्होंने मशीनों में सेटिंग की। आज विधायक दल की बैठक है, तो विधायक दल की बैठक में किस तरह का फैसला होने की उम्मीद है? ये तो जरूर आएंगे, अपना अपना पक्ष सभी एमएलए रखे हैं, तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर ही सहमति बनी। ये तो करना दोनों ने, किसको करेंगे नहीं करेंगे, परंतु अगर आपको मेरा निजी राय मानोगे, मेरी राय तो है कि हुड्डा साहब भी बनने चाहिए। कोई अशोक अरोड़ा भी किसी दौड़ में? मैं कोई दौड़ में। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ थे और वो कह रहे हैं कि मैं किसी दौड़ में नहीं हूं, पर्यवेक्षक आएंगे उसके बाद फैसला होगा, और वहीं कांग्रेस की हार को वो मशीनों की हार बता रहे हैं। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18 चंडीगढ़।